रेगुलर एक्सरसाइजेस या कोई भी गेम ज्वाइन करने से आप अपने वेट को कंट्रोल रखें अगर, तो एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस कम हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, उन्हें चाहिए कि अपनी शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें ताकि वो एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे मर्ज से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर विकास डार है और मेरा ताल्लुक लाहौर में ज़्यादतीस और दिल की बीमारियों के शोबे से है। मेरी फील्ड में ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अमेरिका से भी कुछ तालीम हासिल की है और उसके बाद पाकिस्तान से दिल के शोबे में स्पेशलाइज़ किया है। मैं सबसे पहले तो गेट्स फार्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी सेहत के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आज रजू किया और मुझे उसमें शामिल किया। एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली दिल की धड़कन की बेतरतीबी और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। कई दफ़ा देखा यह गया है कि कुछ लोगों में दिल की धड़कन जो कि एक नॉर्मली एक आम इंसान में 60 से 90 दफ़ा एक मिनट में दिल धड़कता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि धड़कन 90 के बजाय 100, 150, 200 तक भी पहुंच जाती है और ये बेतरतीब धड़कन होती है। इसके साथ दिल के पट्ठों में, दिल के बाल में और दिल की शरियानों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के साइंस और सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली देखा गया है वो दिल की घबराहट है। पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराहट, पसीना और सांस का उखड़ना, दिल पे एक अजीब सा बोझ महसूस करना, ऐसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजूहात में सबसे कॉमन वजह ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, हार्ट फेलियर, गिल्लर की बीमारी जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है, इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र, शराब नोशी, सिगरेट नोशी इसके अहम तरीन वजूहात में शामिल है। एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर है, उसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालज का मर्ज़ है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन जिन लोगों में बहुत लंबे अरसे तक रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी यानी कि ज़हनी इस्तराब का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उस धड़कन के आने की बार बार फीलिंग और उसका डर उनके दिल में कंटिन्यूसली बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली एंग्जाइटी या इस्तराब का शिकार रहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन को डायग्नोज करने के लिए हमें कोई ख़ास टेस्ट नहीं चाहिए। इसको डायग्नोज करने के लिए हमें बेसिकली सिर्फ ईसीजी की ज़रूरत होती है, जो आम 12 लीड ईसीजी है। उस पर हम धड़कन की रफ्तार और उसकी बेतरतीबी को देख के मरीज़ को ये डायग्नोज कर सकते हैं कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन से सफ़र कर रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन से बचने के लिए उन लोगों में जिनमें तो ये कुदरती तौर पर नमूदार होती है उनमें तो शायद कोई ख़ास प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, लेकिन आम आवाम के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें मोटापा, अपने वज़न को कंट्रोल करना, मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेस या कोई भी गेम ज्वाइन करने से आप अपने वेट को कंट्रोल रखें अगर, तो एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस कम हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, उन्हें चाहिए कि अपनी शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें ताकि वो एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे मर्ज से बच सकें। इसके अलावा ओवरऑल अपनी हेल्थ को पॉजिटिव में रखें, अपना लाइफस्टाइल पॉजिटिव रखें, जिसमें रेगुलर 35-40 मिनट्स फाइव डेज अ वीक एटलीस्ट एक्सरसाइज हो। उसके अलावा आपकी जो ग़ज़ा है मुतवाजन हो, उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई का, बहुत ज़्यादा नमक का और ऐसी मशरूबात का जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं उनका इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे मौज़ूदा मर्ज़ से बच सकें। एट्रियल फिब्रिलेशन का इलाज करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ अद्वियात हैं। इसके अलावा कुछ नए प्रोसीजर्स जिन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन या AF एब्लेशन कहा जाता है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो अद्वियात आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स सबसे सरे फहरिस्त हैं।
बीटा ब्लॉकर्स दिल की रफ्तार को भी कंट्रोल करते हैं और उनकी जो बेतरतीबी है उसको भी वापस तरतीब की तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डाइजॉक्सिन जो कि बहुत मशहूर ज़माना दवाई है वो भी इस्तेमाल की जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन के इलाज के लिए। फिर इसमें हम वो मरीज़ जिनको अद्वियात से आराम नहीं आता या जो अद्वियात को बर्दाश्त नहीं कर पाते उनमें हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं AF एबलेशन। उसमें हम दिल के उस चैम्बर को जहाँ से ये धड़कन ओरिजिनेट करती है, जहाँ से ये धड़कन निकलती है, उस जगह को जाकर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ या बहुत ठंडे टेम्परेचर के साथ हम उस जगह को डेड कर सकते हैं, जिसको AF एबलेशन बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और आप एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में जान चुके होंगे। अपने इर्द गिर्द अपने गिर्दोनवाब में वो लोग जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन का मर्ज़ है उनसे ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।